मिट्टी के दिए खाने वाली बहू। मगधीरा गांव में रहने वाला दामोदर पेशे से कुम्हार था। जहां वह जेठ में मिट्टी के मटके बनाता तो वहीं दीपावली के दिनों में मिट्टी के दिए बनाता। अरे मनीषा की माँ, दीपावली आने वाली है, अब हमें मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर देना चाहिए। क्या पता इस दीपावली दिए बेचकर अच्छा दाम मिल जाए। अजी, हर बरस दीपावली पर झूठी दिलासा देते हो, साल भर मिट्टी में सने रहते हो, बावजूद इसके न उन दिनों में मटके का ज्यादा मोल मिलता है न दीपावली पर दियों का। अरे दीपावली के आधे से अधिक दिए तो मनीषा के पेट में पड़ जाते हैं, इन मिट्टी के दियों के आगे उसे घर का दाना पानी कहाँ सुहाता है। दोनों दंपति बातें ही कर रहे थे कि अचानक मनीषा वहाँ आती है। उसे देखते ही धनिया कहती है, कहाँ से चली आ रही है मटक मटक के? माँ वो मंजरी के घर गई थी। मंजरी के घर गई थी या मिट्टी के दियों का मिष्ठान कर रही थी? माँ मैं क्यों मिट्टी के दिए खाऊंगी, मेरे घर में दाना पानी का हड़ताल थोड़ी ही हुआ है। बातों के बोलबाले से बचकर निकलना तो कमबख्त कोई इस लड़की से सीखे। अजी बिटी, आप सयानी हो चुकी है, बखत हो चला है इसके ब्याह के बारे में सोचे बिचारे। अरे धनिया, मैं मनीषा का बाप हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उसके ब्याह का बोझ उतार दूं, मगर बिटिया के हाथ पीले करने के लिए पैसों का प्रबंध भी तो होना चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो आप रूपी उसके विवाह का प्रस्ताव हम गरीबों के द्वार पर आ जाएगा। समय बीतता है। एक सवेरे गांव के प्रख्यात पंडित भागीरथ उनके घर आते हैं। अरे दामोदर, कहाँ हो? अरे पंडित जी, आप कहिए कैसे आना हुआ? पिछले सप्ताह शहर गया था, मनीषा बिटिया के लिए बड़ा सुनहरा रिश्ता सूझा है। लड़के वालों की एक पैसे की मांग नहीं है, उन्हें सिर्फ सुंदर सुशील बहू चाहिए। मुझे सौदाज सूझा तो मैंने लगे हाथ बिटिया की तस्वीर दिखा दी और किस्मत से एक ही झलक में उन्हें मनीषा जच गई। अरे पंडित जी, ये तो मेरी बिटिया का सुनहरा सौभाग्य होगा जो वो सुखद समृद्ध ससुराल की बहू बनेगी। आप बस ब्याह की बात बढ़ाइए। अगले ही दिन पंडित जी के द्वारा दोनों परिवार मेल मिलाप करते हैं, जिसके बाद मनीषा और मुकुल की शादी हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है मिट्टी खाने वाली बहू के ससुराल का सफर। शादी के पहले दिन मनीषा तड़के सवेरे उठकर बहू होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। नाश्ते की मेज पर बैठी दिव्यानी जैसे ही बहू के हाथों बनाए खाने का पहला कौर खाकर कहती है, आहा बहू, क्या लाजवाब खाना बनाया है, जितना बखान करूं कम ही होगा। तेरे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है, मगर बहू तू भी तो खा। बेचारी बहू बेमन से खाने का कौर खाते हुए मन में कहती है, क्या दिन आ गए, मायके में बिना मिट्टी के दिए खाए मेरा दिन शुरू नहीं होता था, पर ससुराल में तो दूर दराज तक भी मिट्टी के दियों का नामो निशान नहीं। मिट्टी के दिए ना दिखने के कारण बहू कुड़कुड़ाते हुए खाने का एक आधा कौर खाकर मेज से उठ जाती है। एक सप्ताह बाद जैसे जैसे ये दिन बीत रहे हैं, मेरे दिल और दिमाग में मिट्टी के दिए खाने का ख्याल दरियाई घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। अब मेरे सब्र का बांध जवाब दे रहा है, मुझे बाजी से बात करनी होगी। मनीषा हताश होने का स्वैंग रचते हुए अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मुझे बाबूजी की बड़ी याद आ रही है, क्या मैं एक दो दिन के लिए मायके हो आऊं? अब हाँ बहू, रो मत, तू मिला अपनी माँ से। बहू सामान बांध कर खुद में बुदबुदाते हुए बोलती है, अब मायके जाकर मेरी मिट्टी के दिए खाने की अधूरी आस पूरी हो जाएगी। कुछ समय बाद बहू अपने मायके मगधीरा आ जाती है और अपनी आंखों के सामने लाल मिट्टी के दिए देखकर वह उन्हें अपने मुंह का कौर बनाने के लिए कूद पड़ती है और दियों को काट काट कर खाते हुए कहती है, वाह, सच में छप्पन भोग से लेकर मेवा मिष्ठान का स्वाद भी मेरे मिट्टी के दियों के आगे फीका है। मनीषा मिट्टी के दिए का स्वाद ही ले रही थी कि धनिया उसे मिट्टी के दिए खाते देखकर बोलती है, हे राम, आते ही भिड़ गई यह भुक्कड़ गांव, और जमाने भर के पड़ोसियों के घर पाहुन पूरी पकवान की आस से आता है, मगर मजाल है तुम मायके आए और मिट्टी के दिए न खाए। देखो कैसे गाय भैंस की भांति मिट्टी के दिए खाने में जुटी हुई है। माँ आप तो जानती हैं, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मगर इन मिट्टी के दियों की सौंधी खुशबू मुझे चीख चीख कर कहती है कि मनीषा मुझे खा। मत्ती मारी गई है, इन मिट्टी के दियों के पीछे तेरी किसी ना किसी दिन ये मिट्टी के दिए तुझे मिट्टी में मिलाकर ही मानेंगे।
जितने दिन मनीषा अपने मायके में रहती है वह रात दिन मिट्टी के दिए खाते दिखाई देती है। एक सप्ताह बाद दिव्यानी उसे वापसी का बुलावा भेजती है। बहू अपना सामान बांधते हुए कहती है, सारा सामान बांध लिया मगर अभी कुछ तो कमी है। ये मेरे मिट्टी के दिए, इन्हें अपने बैग के बीच में रख लेती हूँ। जब मन करेगा इन्हें खा लूंगी। इससे मुझे बार बार मायके दौड़कर नहीं आना पड़ेगा। यह बोलकर बहू अपने सामान में ढेर सारे मिट्टी के दिए भरकर ससुराल लौट आती है, जहाँ सोफे पर बैठी उसकी सास कहती है, अरे बहू आ गई तू, और क्या खाया पकाया इतने दिन मायके में? मिट्टी के दिए। मायके में तुझे मिट्टी के दिए खाने को मिले? नहीं तो माँ जी, मैं तो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मैंने बाबूजी के साथ मिलकर दीपावली के मिट्टी के दिए बनवाए थे। बातों से बच निकल कर बहू रसोई घर का रुख कर लेती है। तभी दिव्यानी कहती है, अरे बहू ने तो अपना बैग यहीं छोड़ दिया, मैं ही कमरे में धर देती हूँ। सास बैग उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे ये साड़ी से भरा बैग है या गधे का बोझा? ऐसा जान पड़ रहा है जैसे सामान की बजाय ईंट पत्थर भरे हुए हों। ये कहते हुए सास जैसे ही बैग को नीचे पटकती है, उसे तेज टूट फूट की आवाज आती है। ये आवाज लगता है बैग में रखा कुछ सामान टूट गया है, देखती हूँ। दिव्यानी जैसे ही बैग खोलकर देखती है, उसके भीतर रखे दिए दो टुकड़ों में हो चुके थे। तभी बहू वहाँ दस्तक देती है। अरे बहू, तेरे बैग में ये मिट्टी के दिए क्या कर रहे हैं? अगर सासू माँ को भनक भी लग गई कि उनकी बहू मिट्टी के दिए खाती है, तो कहीं सासू माँ मेरी सुताई ही ना कर दें। सच खुलता देखकर बहू का चेहरा पीला पड़ जा रहा था कि अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द उठता है। आह, माँ, मेरा पेट! अरे क्या हुआ बहू? इससे पहले कि बहू का हाल बेहाल हो, अस्पताल जाना ही बेहतर होगा। थोड़ी ही देर में दिव्यानी अपनी बहू को अस्पताल लाती है, जहाँ डॉक्टर जांच पड़ताल के बाद कहते हैं, देखिए आपकी बहू को मिट्टी खाने की बुरी लत है। अगर समय रहते इस बुरी आदत पर काबू नहीं पाया गया तो पथरी इत्यादि जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर दिव्यानी कहती है, अब तुझे ही अपना दाव पेच चलाना होगा दिव्यानी, ताकि बहू की ये बुरी लत छूट सके। कुछ ही घंटों के बाद बहू को बेहोशी से बाहर आते देखकर दिव्यानी कहती है, मैं तो इस बात से बेखबर थी, मगर तेरे मिट्टी के दिए खाने के चलते यमराज राहु केतु की तरह दृष्टि डाले तेरे जीवन के द्वार पर आ खड़ा हुआ है। ठीक दो दिन बाद तेरे जीवन का दिया बुझ जाएगा बहू। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं मर नहीं सकती, मुझे बचा लीजिए। मैं वादा करती हूँ फिर कभी मिट्टी के दिए खाना तो दूर मैं आंख उठाकर उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। यह सुनकर दिव्यानी भेद खोलती है, अरे बहू मैं तो मजाक कर रही थी, गुर्दे पर मत ले, मगर ये बुरी लत छोड़ दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब यह मजाक मुमकिन हो जाए। माँ जी मैं वादा करती हूँ फिर कभी मिट्टी के दिए नहीं खाऊंगी। दिव्यानी के दांव पेच से आखिरकार मिट्टी के दिए खाने वाली बहू अपनी बुरी लत पर काबू पा लेती है, और भविष्य में वह फिर कभी मिट्टी के दिए खाने की बुरी आदत को नहीं दोहराती है। जिसके बाद मनीषा अपने सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, और फिर कभी भी अपने मायके जाती तो कभी मिट्टी के दियो को हाथ नहीं लगाती। ये सब देख कर मनीषा के माता पिता भी बहुत खुश होते और मनीषा की सास का शुक्रगुजार करते हैं। स्पाइसी खाने वाली सास बहू। टन-टन-टन, पेश है गर्मा गर्म पकौड़े फॉर यू माय डियर मदर इंडिया। क्या बात है, जिसके लिए उसका खुद का पेट पहाड़ है, आज वो माँ के पकौड़े बनाकर लाई है। माँ आप ही तो हमेशा कहती है कि मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए, तो बस आज मैंने मौसम का बदला मिजाज देखकर पकौड़े तल दिए। अब बड़ाई करना बस भी कर और पकौड़े परोस तो सही। आराध्या प्लेट में पकौड़े परोसती है। जैसे ही सावित्री पकौड़े का पहला कौर अपने गले से नीचे उतारती है, उसकी आंखें आंसुओं से सराबोर होने के साथ उसकी जुबान से सी सी निकलती है। ईस, ये पकौड़े हैं या पनौती? अरे कितना तेज तीखी मिर्ची उड़ेली है, मिर्ची के मारे मेरी जुबान जल गई। उफ, ये मिर्च गनीमत है, इस पानी ने मेरी जान बचा ली, वरना तेरी तेज मिर्ची ने तो मुझे पार घाट पहुँचा ही दिया था। माँ तिल का ताड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे, जरा सी तो मिर्च है, मुझे देखो पल भर में ही सारे पकौड़े खा गई मैं, वो भी मिर्च की चटनी के संग। अरे तुझे कहाँ से मिर्च लगेगी भला, तेरी जुबान ज्वालामुखी जो ठहरी। गुजरते दिनों के साथ आराध्या की शादी की खातिर तन्मय नाम के लड़के का रिश्ता उसके परिवार समेत उनके घर चलकर आता है, जहाँ लड़के की माँ ज्वाला कहती है, अरे नमस्ते जी। जी जी आइए, मेरे घर में आप तीनों का तहे दिल से स्वागत है। बिराजिए आराध्या बिटिया, अतिथियों के खातिर चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो भाई। आराध्या अपनी माँ के समझाए अनुसार उन तीनों का स्वागत सत्कार करती है, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में बातें करते हैं और ज्वाला कहती है, बहन जी आपकी बेटी के नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं, एकदम कश्मीरी मिर्च की तरह। जी शुक्रिया सासू माँ, क्योंकि आपने मेरी तारीफ तेज तीखी मिर्च से जो की है।
दिन सप्ताह और महीने भर में तब्दील हो जाता है, जिसके साथ शादी की सुंदर बेला दोनों के घरों में दस्तक देती है। सात फेरों के साथ आराध्या और तन्मय शादी के बंधन में बंध जाते हैं और शुरू होता है आराध्या के ससुराल का सफर। शादी की रात तन्मय आराध्या को तोहफा देता है। तन्मय, तुम्हें और कोई तोहफा नहीं मिला था क्या जो तुम ये चाबी चॉकलेट उठा लाए? आराध्या, लड़कियां तो बड़े ही चाव से चॉकलेट खाती हैं। तुम पहली लड़की हो जो चॉकलेट देखकर नाक मुंह सिकोड़ रही हो। Yes, because of, मुझे मीठा नहीं तीखा पसंद है। ये सुनकर तन्मय बुदबुदाते हुए कहता है, सुहाग रात पर भी स्पाइसी खाने की पड़ी है। तन्मय, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं बेबी, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारा ये स्पाइसी शौक बड़ा स्वीट है। अगले दिन आराध्या संध्या के साथ उठकर सारे कामकाज करके नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है। आज मेरी पहली रसोई है, खाने में मिर्च मसाले का ऐसा तड़का लगाऊंगी कि सासू माँ से लेकर ससुर जी भी फैन हो जाएंगे। इसके बाद आराध्या खाना बनाना शुरू करती है और तकरीबन 2 घंटे बाद, शुक्र है खाना तो तैयार हो गया, अब बस तीखा तड़का लगाना बाकी है। जल्दी से बारीक मिर्ची काट लेती हूँ। आराध्या जैसे ही दाल में तड़का लगाती है, मिर्च की छांक से सभी छींकते हुए बाहर आते हैं। अरे बहू, ये क्या छौंक है, कैसा है? अरे आराध्या, ऐसा भी क्या बना रही हो जो पूरे घर में मिर्च की महक उठ गई है? दोनों बाप बेटे सुबह सवेरे मेरी बहू के पीछे पड़ गए। एक तो बिचारी ने इतने शौक से खाना बनाया है। बहू तू खाना सर्व कर, इतने हम तीनों फ्रेश होकर आते हैं। तीनों खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही खाने का कौर बहादुर और तन्मय के गले से नीचे उतरता है, उनकी जुबान से जोरदार चीख निकलती है। अरे मर गया, अरे हरी भगवान, पानी पकड़ाओ। अरे अरे पिताजी, इस पानी की जरूरत आपसे ज्यादा आपके बेटे को है। उफ, उफ, ये मिर्ची, हाय हाय ये मिर्ची। दोनों बाप बेटे पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं और बहादुर बोलता है, अरे बहू, ये सब्जी है या जहर? इतनी तेज मिर्ची कौन खाता है? अरे जुबान जल गई, मिर्च के मारे मेरे कानों से तो धुएं का धमाका हो रहा है। तुम दोनों बाप बेटे की जुबान दो घड़ी बंद नहीं रह सकती। अरे खाने में मिर्च मसाले ही नहीं होंगे तो खाना मजेदार कैसे बनेगा? तुम्हारा बस चले तो तुम मिर्च का बागान बना दो। तू इनकी फिक्र मत कर, एकदम मस्त मजेदार खाना था। ये ले तेरा शगुन, हम दोनों का खान पान इतना मेल खाता है। बहू को भी तीखा पसंद है और मुझे भी। तेज मिर्ची होने के चलते बाप बेटे अधूरा खाना खाकर दफ्तर चले आते हैं। गुजरते समय के साथ सास बहू के तीखा खाने की आदत बेहद बड़े तख्त पर पहुंच जाती है। सासू माँ, रसोई में कोई भी साग सब्जी नहीं है? ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मगर वो कैसे माँ जी? अरे बहू, साग सब्जी लाने बाजार जाना होगा, बहुत दिन हो गए तीखा खाए। आज दोनों सास बहू जी भर कर तीखे का तड़का लगाएंगी। दोनों सास बहू बाजार जाती हैं, जहाँ गोलगप्पे देखकर वो कहती हैं, ये गोलगप्पे देखकर तो मेरा जी ललचा रहा है। वैसे भी पुरनिये कह गए हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोनों सास बहू गोलगप्पे वाले के पास आती हैं और आराध्या कहती है, अरे ओ भाई साहब, जरा गोलगप्पे खिला दो। अरे काहे नहीं बहन जी। गोलगप्पे खाते हुए वो बेबाक बिगड़ा मुंह बनाकर कहती है, अरे गजोधर, ये गोलगप्पे हैं कि गुड़गोबर? पानी तो एकदम विधवा प्रतीत हो रहा है, ना रंगत है ना मिर्च। अरे गोलगप्पा का मजा तो तब आता है जब मिर्च मसाले हो। गोलगप्पे कैसे बनाते हैं हम बताते हैं। आराध्या और ज्वाला गजोधर के गोलगप्पों में मिर्च मिलाकर एक दूसरे को सर्व करती हैं। गोलगप्पे का मजा तो तब आता है जब गोलगप्पे तीखे और मिर्च से भरे हों। देखते ही देखते दोनों सास बहू गपा गप अनगिनत गोलगप्पे खाती हैं। ऐसे ही जब कभी सास बहू साथ में बाजार जाती तो अक्सर मिर्चदार मोमोज, गोलगप्पे जैसी तीखे चीजों का चयन करती थी। एक सप्ताह बाद, माँ जी आज अचानक मुझे मोमोज खाने का बड़ा मन है। इसमें सोच विचार करने की क्या बात है बहू, आज हम रात के खाने में मोमोज और ग्रीन चिली की चटनी बना लेते हैं। दोनों सास बहू एक साथ रसोई घर का रुख करती हैं। तभी उनके पति टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे बहू, अब तक तुम सास बहू का खाना नहीं बना क्या? खाना तैयार है। अरे ये कैसा बेतों का खाना बनाया है, ये चंगेजी चाइनीज खाएंगे हम क्या? देखो जी, इस मोमोज के सिवा हमने और कुछ नहीं बनाया, एक बार ये मोमोज खाकर तो देखो मजा आ जाएगा। कोई चारा न बसने बेचारे बाप बेटे सिसकते हुए जैसे तैसे एक आधे मोमोज खाते हैं। गुजरते समय के साथ तीखे खाने से उनके पति पूरी तरह परेशान होकर एक रोज कहते हैं, अरे प्रतिदिन के साथ इन दोनों सास बहू के मिर्च मसाले का सेवन बढ़ता जा रहा है। हाँ पिताजी, हमको कुछ करना होगा जिससे कि सांप में मर जाए और लाठी भी न टूटे। एकाएक तन्मय की जुबान पर जोलो चिप्स का नाम आ जाता है। वो 2 पैकेट ऑर्डर करता है। माँ आराध्या, यहाँ तो आना। हमें बुलाया? अरे आप दोनों को तीखा खाने का बड़ा शौक है ना? अरे बेशक, तीखापन ही तो खान पान की जान है। ये लीजिए, इन पैकेट के अंदर जोलो चिप्स हैं, जो बहुत तीखी हैं। अगर आप दोनों ये चिप्स खत्म कर देती हैं, तो हम आपके तीखे खाने पर अपना बोलबाला बंद कर देंगे। अगर हम बाप बेटे ये शर्त जीत गए तो तुम सास बहू को ये तीखा खान पान ताउम्र के लिए छोड़ना होगा। हमें मंजूर है। जैसे ही दोनों सास बहू मिर्च से सराबोर चिप्स को खाती हैं, वो स्तब्ध रह जाती हैं। अरे बेटा, ये सास बहू इतनी शांत क्यों है? ये तूफान से पहले की शांति है पिताजी। तन्मय प्लीज पानी दे दो,
अरे रे ये चिप्स है की जहर, अरे गर्दन और जुबान ज्वालामुखी के जैसे जल रही है। मिर्च के मारे दोनों सास बहू के रूप की रंगत का काया पलट हो जाता है। दोनों जग भर कर पानी पीती है। कुछ देर बाद अब पता चला तेज तीखे मिर्च का मजा। अजी हमें माफ कर दो, तेज तरार मिर्च ने हम सास बहू की बेअकली के पर्दे खोल दिए। हाँ ससुर जी अब से स्पाइसी खाना बंद। इस तरह अंत में स्पाइसी खाने वाली सास बहू को जोलो चिप्स के जोरदार मिर्च से सबक मिल जाता है, जिससे उनका तीखा खाने का स्वाद साधारण खाने में शुमार हो जाता है। दिया बेचने वाले भूत और चुड़ैल। अरे बस जल्दी से ये दिया बन जाए जिसे बेचकर हम दोनों अपनी दिवाली मनाएंगे। हाँ भैया कुछ दिए तो बन गए, तो मैं बेच दूँ भैया? हाँ बेच राधिका। दिए ले लो दिए, मिट्टी के ताजे दिए ले लो, दिवाली के मौके पर 10 के 15 दिए ले लो, दिए ले लो। मुझे 20 के दे दीजिए, ये लीजिए। राधिका दिए की मिट्टी तो खत्म हो गई, हमें और लानी होगी क्योंकि मैंने आज सारे दिए बना दिए, अब ये सूख जाएंगे तो ये भी कल तक बिक जाएंगे। तो भैया हम भी चले मिट्टी लेने? हाँ चलो। ये कहानी दो गरीब भाई बहन शिव और राधिका की है। माता पिता बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे, फिर अपना पेट पालने के लिए दोनों भाई बहनों ने मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर दिए, जिससे वो अपना आम खर्च चलाते थे। कुछ क्षण बाद दिए सुखाकर दोनों भाई बहन मिट्टी लेने चले जाते हैं। वापस आते वक्त जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक ट्रक वाला उन भाई बहनों को तेजी से टक्कर मारकर फरार हो जाता है, जिससे 18 वर्षीय भाई बहनों की मौत हो जाती है और अकाल मृत्यु होने के कारण उनकी आत्मा भटकते हुए कहती है, क्या भैया हमारा तो एक्सीडेंट हो गया, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा मृत शरीर पड़ा है। हाँ रो मत मेरी छोटी बहन, शायद नियति को यही मंजूर था। दोनों भूत और चुड़ैल एक दूसरे के गले लगकर बहुत रो रहे थे। फिर वो इधर उधर भटकने लगते हैं। जहाँ एक तरफ अमीर लोग पटाखे की बड़ी दुकान लगाकर महंगा पटाखा बेच रहे थे, तो अमीर लोग पटाखे चला रहे थे, नए कपड़े खरीद रहे थे, मिठाई खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आगे जाकर अपने जैसे ही कुछ गरीब लोगों को देखकर राधिका कहती है, भैया ये लोग तो हमारी तरह गरीब हैं, इन्हें देखकर मुझे हमारी गरीबी याद आ गई, किस तरह हमने दिए बेचकर अपना पेट पाला। वो तो है राधिका, ये भी हमारी तरह संघर्ष करके पैसे कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन अमीरों को देखो, इन पर शायद ही कोई दुख की वजह होगी और वो लोग अपनी दिवाली भी अच्छे से मनाएंगे। सही बोले भैया आप। भैया मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी इन गरीबों की दिवाली को अच्छा बनाने में मदद करें, ताकि ये खुश रहें, इन्हें भी तो हक है ना अमीरों की तरह खुश रहने का। हाँ राधिका तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, पर कैसे करेंगे बहन इनकी मदद? सिंपल भैया, हम दिए बनाकर बेचेंगे और उन्हीं पैसों से हम उनके लिए कपड़े लाएंगे, मिठाई लाएंगे और उन्हें तोहफा देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ तो चलो इनकी बस्ती में रहकर ही हम दिए बनाकर बेचेंगे। ये कहते ही दोनों भाई बहन उसी बस्ती में अपनी मेहनत से मिट्टी की चक्की पर मिट्टी लगाकर सुंदर सुंदर और अनेक प्रकार के मिट्टी के दिए बनाते हैं, फिर सुखा देते हैं। अगले दिन मिट्टी के दिए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें वो बाजार में इंसानी रूप में बेचने जाते हैं। आइए आइए मिट्टी के दिए ले लीजिए, ताजे ताजे मिट्टी के दिए, डिजाइन वाले दीपावली के शुभ दिए ले लीजिए, केवल 5 रुपए 5 रुपए, और छोटे 10 के 10 दिए 10 दिए। हाँ हाँ आइए आइए, आपके दिवाली पर रौनक लाने वाले दियों को हम लेकर आए हैं, ये लीजिए, मात्र 10 रुपए के 15 दिए और डिजाइन वाला 5 का 1 दिया। आइए आइए कहीं ये दिए खत्म ना हो जाएं। सस्ते और कम दाम पर ज्यादा दिए मिलने से बाजार के लोग फटाफट इन भूत और चुड़ैल के दिए खरीदने आते हैं। हालांकि ये कोई नहीं जानता था कि ये दोनों बच्चे बुरी शक्ति हैं। सुनिए मुझे भी दे दीजिए 10 के, और मुझे भी डिजाइन वाले 5 दिए दे दीजिए। अरे बेटा जरा मुझे भी ज्यादा से दिए दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए आपके दिए, और ये आप दोनों के लिए डिजाइन वाले दिए, किसके हैं? अरे भाई साहब मेरे हैं, ये लीजिए पैसे। माफ करना भाई, भीड़ में पता ही नहीं चला कि किसके दिए हैं। कोई नहीं, ये भी कोई कहने की बात है क्या? सुनिए मुझे भी 50 के दिए दे दीजिए। अच्छा आप थैला लाई हैं क्या? जी मैं बिल्कुल लाई हूँ ना थैला, आप इसमें डाल दीजिए।
ये सुनते ही राधिका चुड़ैल उसके थैले में 50 दिए रख देती है। ये लीजिए आपके पैसे, आप काफी सुंदर दिए बनाती हैं। क्या आप मिट्टी के और भी बर्तन बना सकते हैं? इतने सारे दिए पन्नी में टूट जाएंगे। जी शुक्रिया। 3 दिन बाद दिवाली नजदीक थी। पहले दिन ही भूत और चुड़ैल मिट्टी के दियों से काफी अच्छे पैसे कमा लेते हैं और 2 दिन तक वो इसी तरह मिट्टी के दिए बेचते हैं। आइए आइए मिट्टी के दिए ले जाइए। भैया मुझे भी 100 रुपए के दिए दे दीजिए। ये लीजिए। इस तरह उनके दियों की मांग काफी बढ़ जाती है। अब चुड़ैल राधिका और शिव भूत पर 4-5 दिनों से मिट्टी के दिए के काफी पैसे जमा हो गए थे, जिनसे वो बड़े बूढ़ों के लिए मिठाई, बच्चों के लिए कपड़े और लोगों को दिवाली का तोहफा देने के लिए लाए थे। अगले दिन दिवाली का समय था। हर घर दीप और रंगोली से सजा हुआ था। बच्चे और बाकी सभी बम पटाखे जलाकर खुशियां मना रहे थे, तो कोई लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहा था। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। हे माता रानी, इस दिवाली आप मुझे कोई तोहफा दिलवा दीजिए। गिने चुने पैसों से मैंने दिवाली मनाई है, मेरे घर वाले भी नहीं हैं तोहफा देने के लिए। राधिका क्यों ना हम इसे भी तोहफा दे देते हैं। हाँ भैया ये ठीक रहेगा। ये कहकर दोनों चुड़ैल भाई बहन पुनीत के पास एक तोहफा रख देते हैं। वहीं कुछ लोग फुटपाथ पर भीख मांग रहे थे, तो कुछ छोटे मोटे ठेले पर सब्जी बेच रहे थे। वो दिवाली नहीं मना रहे थे। चुड़ैल बहन भाई उन लोगों को कुछ नए कपड़े और मिठाई बांटकर आ जाते हैं। फिर उन्हें मोमबत्ती बेचती हुई एक बूढ़ी अम्मा दिखती है और वो कहते हैं, अरे अम्मा जी आप दिवाली क्यों नहीं मना रही? अरे बेटा दिवाली के दिन भी हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं, अगर हम आज भी दुकान नहीं लगाएंगे तो क्या खाएंगे? दिवाली तो हमने 2 साल से ना ही मनाई। लेकिन दादी इस बार आप जरूर दिवाली मनाएंगे। ये लीजिए आपके लिए कुछ नए कपड़े और ये दिवाली की मिठाइयाँ। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान जल्दी आपकी तरक्की कर दे। हाँ दादी। शुक्रिया बच्चों, तुम्हारी वजह से अब मेरी दिवाली अच्छी बन जाएगी, भगवान तुम पर आशीर्वाद बनाए रखें। ये कहकर दोनों भाई बहन सहायता करते हुए सभी को तोहफा कपड़े मिठाई बांट देते हैं। पर कुछ बॉम्ब पटाखे अभी भी बचे थे। तभी पिंकू नाम का एक लड़का अपनी माँ से जिद कर रहा था। माँ मुझे पटाखे चाहिए, तो मतलब चाहिए, मुझे पटाखे दो, सब दिवाली मना रहे हैं, बस मैं ही रह गया हूँ। बेटा समझने की कोशिश कर, मेरे पास पैसे नहीं है तो कैसे दिलाऊं तुझे पटाखे? अरे बच्चे तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें पटाखे चाहिए तो वो मेरे पास है। देखो क्या चाहिए, अनार, आलू बम या फुलझड़िया? अरे वाह भैया मुझे अनार और फुलझड़िया चाहिए। ये लो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भैया, आप कहाँ रहते हैं? बेटा हम वहाँ रहते हैं, ये देखो और यहाँ पर मिट्टी के दिए भी बनाते हैं। अच्छा तो आप यहीं रहते हैं। छोटी दिवाली खत्म होने के अगले दिन भी वो मिट्टी के दिए को बेचने के लिए बना रहे थे। तभी वो बच्चा उनसे दिए लेने आता है, जो उन्हें रूप बदलते हुए देख लेता है। अरे ये तो वही भैया और दीदी हैं जिन्होंने रात में मुझे पटाखे दिए थे, क्या ये भूत और चुड़ैल हैं? वो बच्चा अपनी माँ और आसपास के लोगों को बता देता है। वो आसपास के लोग वही थे जिनकी उसने मदद की थी। तभी वो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बेटा अगर तुम भूत और चुड़ैल हो तो तुमने अपने जादू का प्रयोग करके मिट्टी के दिए क्यों नहीं बनाए? तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना, और हम लोगों की मदद क्यों की? अम्मा जी हम भाई बहन भी गरीब हैं, जो आप में से ही हैं। दरअसल दिवाली के कुछ दिन पहले ही हमारी मृत्यु हो गई, जिस वजह से हम यहाँ पर भटक रहे हैं। इसलिए हमने आपकी मदद करने की ठानी, और हम मेहनत से मिट्टी के दिए बनाकर आपकी मदद करना चाहते थे, ना कि अपने जादू से। क्या तुम दोनों की आत्मा भटक रही है? बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वजह से कल रात हमने बहुत अच्छी दिवाली मनाई। अब हम सभी तुम्हारे लिए मोक्ष की पूजा करवाएंगे, जिससे तुम अपनी दुनिया में जा सकोगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस तरह सभी गरीब लोग मिलकर उन दोनों चुड़ैल भाई बहनों के लिए मोक्ष की पूजा रखते हैं, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। गरीब और अमीर की भक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में गणपत नाम का एक माली रहता था। गणपत गांव के एक बड़े जमींदार सेठ के यहाँ काम करता था। रोज सुबह उसकी पत्नी गौरी नाश्ता बनाती। गणपत काम पर जाने के लिए तैयार होता, उसकी बेटी छाया और पायल स्कूल जाने की तैयारी करती, फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करते। वो एक गरीब परिवार था, मगर सब प्यार से खुशी खुशी रहते थे। सेठ के घर जाते हुए रास्ते में स्कूल पड़ता था, इसलिए गणपत रोज काम पर जाते समय छाया और पायल को स्कूल भी छोड़ दिया करता था। गणपत माली के साथ साथ खेतों में भी काम कर लेता था। गणेश चतुर्थी आने ही वाली थी। पूरे गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। गणपत भी गणपति बप्पा का सच्चा भक्त था। इस बार गणपत ने अपने बच्चों से वादा किया था कि वो भी खूब धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाएगा। पिछली बार गणपत के पास नौकरी नहीं थी और गणेश चतुर्थी मनाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। दूसरों को देखकर बच्चे भी बहुत मायूस हो गए थे। गौरी ने गणपति महाराज से गणपत की नौकरी के लिए इस बार पूरी श्रद्धा से पूजा करने के लिए मन्नत भी मांगी थी। सेठ जी के घर में भी खूब धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाने की तैयारियां चल रही थी। इस साल अच्छी वर्षा होने के कारण फसल भी अच्छी हुई थी। एक दिन पास वाले शहर के बाजार से मूर्ति लाने के लिए चला जाता है। अपने सारे जमा किए हुए पैसे गणपत अपने साथ ले गया और उसने सोचा कि आज गणपति बप्पा की सबसे सुंदर मूर्ति को घर लेके जाएगा। घर पर गौरी सारी तैयारियां कर चुकी थी, पूजा के लिए फूल पत्ते मोदक और सब कुछ तैयार कर लिया था। छाया और पायल नए कपड़े पहनकर गणपति बप्पा का इंतजार कर रही थी। सेठ की पत्नी ने गणपति महाराज के लिए सोने के गहने बनवाए थे। रास्ते में सेठ और गणपत को एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वो फटे कपड़े पहने हुए रो रहा था। गणपत ने पूछा, क्या हुआ चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटे, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आज गणेश चतुर्थी है, पूजा तो दूर की बात है। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गणपत ने सेठ की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सेठ जी क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? अरे ये सब पैसे लेने की नौटंकी करते हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। नहीं सेठ जी, इस बूढ़े का हाल देखिए, चेहरा सूखा हुआ है, आँखों में आंसू भी हैं। मुझे लगता है ये सच कह रहा है। अरे तो मैं क्या करूँ भाई, मैं तो पूरे गिनकर पैसे लाया हूँ और इस बार मुझे गणेश भगवान की बड़ी सी मूर्ति लेनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। गणपत ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कहाँ रहते हो चाचा? शहर के उस पार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। मेरी बेटी को हृदय रोग है, मेरे पास जितने पैसे थे सब उसके इलाज में खर्च कर दिए हैं। अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है बेटा। शहर में काम की तलाश के लिए आया था, मगर मुझ जैसे बूढ़े को कौन काम पर रखेगा? उसका इलाज हो गया ना चाचा? नहीं बेटा, इलाज को बीच में ही रोकना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाई खिलाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है और आज तो मेरे परिवार में सब भूखे हैं। गणपत को छाया और पायल का चेहरा याद आ गया। उसका हृदय करुणा से भर गया, उससे रहा नहीं गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने सारे पैसे उस व्यक्ति को दे दिए। ये लो चाचा, इससे अपनी बेटी की दवाइयाँ और खाने के लिए कुछ ले लेना। आपकी मदद के लिए ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। गणपति बप्पा पर भरोसा रखिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तुम एक बहुत ही भले व्यक्ति हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे बच्चे सदैव खुश रहें। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ। गणपत सेठ के साथ दुकान पहुँच गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर पर गौरी छाया और पायल उसका इंतजार कर रहे होंगे। इस बार भी हर साल की तरह अगर पूजा नहीं हुई तो सब मायूस हो जाएंगे और गौरी की मन्नत भी पूरी नहीं हो पाएगी। सेठ ने दुकान की सबसे विशाल और सबसे सुंदर और सबसे महंगी मूर्ति खरीदी। क्या हुआ, तुमने कोई मूर्ति नहीं ली? मैं सोच रहा हूँ
कि गांव के ही दुकान से ही एक मूर्ति खरीद लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रास्ते भर गणपत सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसका मन उदास हो गया था। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर उसके घर गणेश महाराज नहीं पधारेंगे, लेकिन उसे इस बात के लिए खुशी भी थी कि उसने एक गरीब बूढ़े आदमी की मदद की थी, इसलिए गणपति बप्पा उससे जरूर प्रसन्न हुए होंगे। दोनों गांव आ गए। सेठ ने अपने घर में मूर्ति की स्थापना की। सेठानी ने जल्दी जल्दी थाली सजाई और पूजा की तैयारी करने लगी। गणपत को गौरी की याद आ गई। गणपत ने सेठ से विदा लिया और भारी मन के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसने घर जाकर चुपके से गौरी को बुलाया। गौरी गणपत को देखकर दौड़ी दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी, गणपति बप्पा किधर हैं? गणपत ने सारी बातें गौरी को बताई और गणपत गौरी से क्षमा मांगने लगा। कोई बात नहीं जी, ये भी कोई परीक्षा ही होगी। छाया और पायल अपने सारे दोस्तों को लेकर घर आ जाती है। गौरी और गणपत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो दोनों भी बच्चों के पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर जाते ही देखा कि गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति पहले से ही स्थापित थी। पूरे घर में प्रकाश छाया हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं गणेश भगवान प्रकट हुए हैं। सभी बच्चे मूर्ति देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी सुंदर मूर्ति किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गणपत और गौरी हैरान रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे। आज गणपति बप्पा स्वयं हमारे घर पधारे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि आज वो मुझसे जरूर प्रसन्न होंगे। बच्चों ने बाहर जाकर सभी को बताया कि गणपत माली के घर सबसे अच्छी मूर्ति आई है। पूरे गांव से लोग उसके घर पर गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए आने लगे। गणपत और गौरी दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। इससे बड़ी बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती थी कि स्वयं गणपति बप्पा उनके घर पधारे हैं। ये उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा का परिणाम था। गणपत के घर पर खूब भीड़ एकत्रित हो गई थी। गणपति बप्पा को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। गरीबों की मदद करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। मैंने सदैव इतना चढ़ावा चढ़ाया, महंगी से महंगी चीजों के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया, सदैव पूजा अर्चना की। मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है क्या? गांव के पंडित ने कहा। बेटा, भगवान की भक्ति केवल महंगी चीजों और दिन रात पूजा अर्चना करने से साबित नहीं होती। भगवान तो केवल सच्चे मन वालों के पास ही आते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। सबने साथ मिलकर कहा, गणपति बप्पा मोरया। गरीब वर्सेस अमीर चुड़ैल बहू की दिवाली। जहां एक तरफ सब दिवाली मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर मनीष आग में जल रहा था। तारा, तारा बचाओ मुझे, भाभी माँ कोई बचाओ मुझे, कहीं मैं जल ना जाऊं। मैं कैसे बचाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आग बहुत ज्यादा लगी, अपने बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती यहाँ अकेली। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। ये कहकर वो दूसरी चुड़ैल मनीष को बचाने जाती है। आखिर ये सब क्या था? वो चुड़ैल उस आदमी को बचाने क्यों नहीं गई? क्या मनीष आग में जल जाएगा या दूसरी चुड़ैल उसे बचा लेगी? आखिर भयंकर आग कैसे लगी, ये जानने के लिए कहानी के शुरुआत में चलते हैं। एक शहर में कविता अपनी बड़ी बहू नैना और छोटी बहू तारा के साथ रहती थी। दोनों बहू के बीच बंटवारा हो गया था। बड़ी बहू गरीब थी, जिसके पति का एक एक्सीडेंट में पैर अपाहिज हो गया था, इसलिए वो दूसरे के घर झाड़ू पोछा करके काम करती थी। साथ ही उसकी 10 साल की बेटी अविका थी। वहीं छोटी बहू तारा, उसका 5 साल का बेटा अनुराग था और उसका पति अच्छा खासा कमा रहा था, जिस वजह से वो पैसों को अक्सर उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कविता कहती है, अरे तारा बहू, ओ तारा बहू, जरा अदरक वाली चाय बना दे। माँ जी, अभी सुबह हो रही है, आप जानती है ना कि अब हमारा बंटवारा हो चुका है, तो रात का खाना मैं बनाऊंगी और दिन का जेठानी जी बनाएंगी। बहू, अभी वो नहीं है तो तू मेरे लिए चाय बना दे, वो विक्रम की दवाई लेने गई है। तो माँ जी मैं क्या करूँ, आप जानती है ना मैं दीदी का काम नहीं करूँगी, सब अपना अपना काम करते, आप थोड़ी देर उनका इंतजार कर लीजिए, वैसे भी आपको मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है। ठीक है, बहू का बंटवारा होना नहीं चाहिए था, अब बड़ी बहू भागा दौड़ी करती है, बाहर का काम करती है, विक्रम को देखती है, गरीबी में जी रही है, और छोटी बहू दोनों हाथ से मेरे बेटे के पैसों को उड़ाकर ऐश की जिंदगी जी रही है, घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। कविता खुद चाय बनाकर पीती है, तभी नैना विक्रम को लेकर आती है। अरे बहू, तू आ गई, क्या बताया डॉक्टर ने विक्रम के बारे में? माँ जी, अभी इनके पैर में कोई सुधार नहीं आया है, डॉक्टर ने खास ख्याल रखने के लिए कहा है, अगले 4 दिन के बाद इनका एक्सरे है,
मेरे पास तो पैसे ही नहीं है एक्सरे कराने के। ऐसा कर तू मेरा सोने का हार बेच दे। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप फिक्र ना करें, मैं इंतजाम कर लूंगी। जब देखो बड़ी दीदी के खाने के लाले ही पड़े रहते हैं, कभी दवाई, कभी बच्चा, कभी राशन, कभी कुछ। मेरा सही है, मेरे पति कमाते तो हैं, जिससे मुझे इन तकलीफों में ही नहीं रहना पड़ रहा है। बहू तू कुछ पैसों की मदद कर दे। अरे ना माँ जी ना, मेरी तरफ तो पैसों के लिए देखना भी मत। मैं अपने पति के पैसे भाई साहब जी पर क्यों लगाऊं? दीदी खुद अपना खर्चा निकाल लेंगी ना। अरे हमारा भी परिवार है, हमें भी बच्चे देखने, और अभी दिवाली भी आने वाली है। हाँ माँ जी, देवरानी जी ठीक कह रही हैं, मैं अपना खर्चा निकाल लूंगी। माँ जी आप अबिका को स्कूल से ले आएंगी? मैं जरा कोठी वाली के घर चली जाऊँ। ठीक है बहू, तू जा। ऐसा कहकर नैना दूसरों के घर काम करने चली जाती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे। उससे वो कविता और विक्रम की दवाई और घर का खर्चा चलाती थी। अगले दिन दोनों अपने बच्चों को स्कूल से लेने गई थी। तारा पर पैसे थे तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और नैना सरकारी स्कूल में। तारा ने कान और गले में सोने की चीजें पहन रखी थी। तभी वो गुंडा कहता है, ए, चल चल निकाल, तूने जो भी जेवरात पहने हैं और तेरे जितने भी पैसे हैं सब निकाल कर मुझे दे, वरना तुझे मार दूंगा। ऐसे कैसे मार देगा? तारा के ऐसा कहने से गुंडा उसे चाकू मारने ही वाला था कि नैना उसके सामने आ जाती है, जिससे वो मर जाती है। तभी गुंडा तारा को भी मार देता है और उसकी सारी ज्वेलरी और पैसे चोरी करके भाग जाता है। तभी उनके दोनों बच्चे बहुत रोते हैं, फिर दोनों चुड़ैल बनकर अपने बच्चों के आंसू पोंछती हैं। बेटा अनुराग तू चिंता मत कर और मुझसे डर मत, घर में ये बात किसी को मत बताना। ठीक है मम्मी। मेरी बच्ची रो मत, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी को या पापा को ये बात मत बताना कि तेरी चाची और मैं अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है माँ। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति प्रदान करो कि दोनों इंसानी रूप में अपने घर लौट सके। मुझे विक्रम जी, माँ जी, अविका का ख्याल भी तो रखना है। आपको मेरे सामने महान बनने की क्या जरूरत थी जो मेरे पीछे अपनी जान गंवा दी? तारा मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती थी। आप पर पैसे तो है नहीं, इसलिए आपने अपनी जिंदगी का दांव मेरे लिए लगा दिया ताकि आप महान बन जाए, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने के बाद भी दोनों का स्वभाव ऐसा ही था जैसा पहले था। दोनों इंसान के रूप में आकर अपने घर चली जाती हैं और ऐसे ही रहती हैं। अरे तुम दोनों ने स्कूल से आने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो माँ जी ट्रैफिक था ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे बहू कल दिवाली है, सारा सामान लेकर आ गई दिवाली का? माँ जी मैं क्या लेकर आऊंगी, हाथ से ही गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बना दूंगी, पैसे भी बचेंगे, बस दिए और अविका को पटाखे और मिठाई दिला दूंगी। ठीक है। मैं तो अनुराग को नए नए कपड़े, नए जूते, बहुत सारे बम पटाखे और अच्छी अच्छी मिठाई खिलाऊंगी और खुद भी नई साड़ी पहनूंगी। और माँ जी मैं आपको काजू कतली और एक साड़ी दे दूंगी, दीदी की तरह नहीं हूँ ना मैं। अब बहू इसमें क्या कह सकते हैं, जिस पर जितना है वह उतना ही तो करेगा। हाँ माँ जी मैं अमीर हूँ तो अमीर वाली दिवाली ही मनाऊंगी ना। माँ क्या मैं नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी? आप कभी नए कपड़े नहीं पहनाती हो। बेटा मैं तेरी फ्रॉक पर दो चार नग लगा दूंगी, तेरी फ्रॉक पहले से नई बन जाएगी। ठीक है? ठीक है माँ। अगले दिन सब दिवाली धूमधाम से मना रहे थे। नैना दिए जलाकर भोग में बूंदी रखकर लक्ष्मी पूजन कर लेती। वहीं तारा गणेश और लक्ष्मी जी की सोने और चांदी की मूर्ति बनवाकर उनकी पूजा करती है और अपने बेटे अनुराग को नए कपड़े पहनाकर अपने पति मनीष के साथ बम पटाखे जलाने के लिए भेज देती है। तभी सास गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करके कहती है, हे लक्ष्मी माँ, इस घर पर अपनी कृपा बनाओ, मेरी बड़ी बहू को भी धन दौलत दे दो और मेरे बेटे को ठीक भी कर दो। मुझसे तारा का अमीरी घमंड अपनी बड़ी बहू पर यूं देखा नहीं जाता। अरे बहू ये लो आरती ले लो। दोनों जैसे ही आरती लेती हैं तो उन दोनों का असली चुड़ैल रूप सामने आ जाता है। ये देखकर कविता कहती है, अरे तुम दोनों चुड़ैल कौन हो, मेरी बहुएं कहाँ हैं? माँ जी हम ही आपकी बहुएं हैं। हाँ माँ जी, पर ये कैसे हो सकता है? कविता के ये पूछते ही दोनों चुड़ैल उसे सारी बातें बता देती हैं। तभी अनुराग रॉकेट बम जलाकर गलत उड़ा देता है जो सीधा उसके घर में मनीष की ओर जाता है, जिससे भयंकर आग लग जाती है और वो चिल्लाता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, यहाँ आग लग गई है, तारा भाभी माँ। तभी तीनों को चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जी ये तो मनीष जी की आवाज है, मैं जाकर देखती हूँ। मनीष की आवाज सुनकर सभी उसके कमरे के बाहर पहुँचते हैं। पापा पापा, मम्मी पापा को बचाओ। हाँ बेटा, माँ जी आप दोनों बच्चों को बाहर ले जाइए। तारा अंदर आग में जाने की कोशिश करती है पर उसका तन बदन जलने लगता है।
वो चाह कर भी अंदर नहीं जा पाती और बहुत रोती है। हे भगवान, कोई मेरी सुहाग की रक्षा करो, ये क्या हो रहा है? अरे तुम परेशान मत हो, अपने बच्चों को संभालो, आग से दूर लेकर जाओ सबको, देवर जी को मैं लेकर आती हूँ। ये कहते ही नैना मनीष को बाहर बचाकर लाती है, जिससे उनके पतियों को भी उनके चुड़ैल रूप के बारे में पता चल जाता है। अपने पति को सही सलामत देखकर तारा नैना के कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर कहती है, दीदी शुरू से लेकर आज तक मैंने आपको गलत कहा, सोताने दिए, यहाँ तक नीचा दिखाया, उसके बावजूद भी आपने मेरी पहले जान बचाई थी और आज मेरे पति की जान बचाई, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं अमीरी के चक्कर में घमंडी भी हो गई थी, माफ कर दीजिए दीदी, अब से हम सब साथ रहेंगे। तुम्हारी आंखों से अमीरी की पट्टी उतर गई है और तुम्हें रिश्तों की समझ हो गई है, तो मुझे और क्या चाहिए? पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हमें परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। हाँ दीदी। नहीं नहीं बहू, तुम दोनों ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, जाना होगा माँ जी। इस तरह दोनों चुड़ैल होते हुए भी एक होकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाती है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए चली जाती हैं।